उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आज प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीपी जोशी सुबह 7 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग से रवाना होकर 12:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान उनका रास्ते में कई जगह पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कोर कमेटी के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मैं दिल्ली से अपने आवास से 7 बजे प्रस्थान करेंगे और 12:30 पर सड़क मार्ग से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। 12:40 पर वो कार्यालय में पूजा अर्चना करने के बाद में प्रवेश करेंगे और उसके बाद इसी कार्यालय के बाहर पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, जिनमें हमारे प्रदेश कोर कमेटी से लेकर हमारे सारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के और प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारी और हमारे मंडल अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, प्रमुख, पूर्व प्रमुख, प्रधान, पूर्व प्रमुख सहित दायित्वान कार्यकर्ताओं की एक हम इस पद ग्रहण कार्यक्रम की सभा करेंगे और उसके बाद वो मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे और अपने कार्य का विधिवत वो संभाल कर कार्य अपना प्रारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में कोर कमेटी के सभी लोग आएंगे, तीनों केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे, आदरणीय वसुंधरा जी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। इसी 6 अप्रैल को 1126 मंडलों में एक साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसके अंदर अलग अलग हमारे प्रदेश के नेता मंडलों की ओर रुख करेंगे।